तुम्हारे अब्बू की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें निभानी है, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे वलीमा के दिन वो जरूर मिल जाएंगे। क्या ला जोया, संभल कर। जानती हो जोया, इंसान को आंखें खोलकर चलना चाहिए, क्या पता आप किस मोड़ पर ठोकर लग जाए। हाँ, और जब आपके खुद के घर में इतने बड़े बड़े पत्थर हो ना, तब तो ज्यादा आंखें खोल के चलना चाहिए। डोंट वरी, मैं आगे से संभल के रहूंगी। हाँ, कुछ वक्त में तुम्हारा वलीमा होने वाला है, तो तुम्हारा संभल कर रहना तो बहुत जरूरी है। क्या पता कौन सी आफत आकर गले पड़ जाए। इस बार आफत आई ना, हजामत करके भेजूंगी, समझी। थोड़ी हमसे भी बात कर लो। जरूर कर लेती, पर क्या है ना तन्वी, तुम मुझे अच्छी इतनी लगती हो, लेकिन तुम्हारा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा। मेरे शौहर मेरे कमरे, हमारे कमरे में मेरा इंतजार कर रहा है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वलीमे की डेट फिर से आगे बढ़ जाए। कल ही तुम्हारा वलीमा होने वाला है ना, अल्लाह सच कहे तो इस बार तो तुम लोग कुछ ना कुछ तो जरूर कर लोगे। हाँ, सिर्फ एक रात ही काफी है, डोंट वरी, काफी हमारे लिए भी। एक बात कहें, तो जब तक हम कुछ करते नहीं है ना, तब तक हमें आराम नहीं मिलता है, हमारे दिल को चैन नहीं पड़ता है। वैसे भी जिंदगी का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए पता नहीं। अब देखो ना, जैमी तुम्हारा कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा है, अब पता नहीं तुम्हारे पहुंचते पहुंचते वो तुम्हारा इंतजार कर भी पाएगा या नहीं, कहीं उसकी बिता भी खत्म ना हो जाए। क्या बकवास कर रही हो, इस बार क्या किया है तुमने। ज्यादा कुछ नहीं जोया, वो जैमी ने वाजिद से पानी मंगवाया है, तो बस उस पानी में हमने थोड़ी सी नींद की गोलियां मिला दी है। बस वो अभी जा रहा होगा पानी लेके उसके, मतलब तुम दोनों के कमरे में। तुम्हें मैं देख लूंगी तनवीर, याला पहले अपने शोहर को तो देख लो, भागो। अरे जाओ जोया जल्दी। Thank you. Mr. Khan? आप ठीक है ना मिस्टर खान, are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या आप ठीक है? No, no, I'm good. Sure. हाँ, नथिंग, आप कीजिए अपना काम कीजिए। मतलब ये तनवीर की एक घटिया चाल थी। एक्चुअली मिस्टर खान, मिस्टर खान आई ओके? मिस्टर खान प्लीज बैठिए बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं? हाँ, मैं कोई पार्षद को बुलाओ, पार्षद आप ले जाइए, ले जाइए, आप ले जाइए, प्लीज ले जाइए, केयरफुल, प्लीज ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, प्लीज। मैं किसी को बुला के ला दी। हाँ, मैं सोना पड़ेगा अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो मैं जमीन पे सोते सोते हमेशा के लिए ही सो जाऊं। गर्दन तो टेढ़ी हो ही गई है, मैं पूरी टेढ़ी ना हो जाऊं। आए अल्लाह,
तकलीफ हो रही है? उठा लो, उठा लो। हसीना, वहां नहीं, तुम जाके ना बाहर सोफे पे सो जाओ। देखो हम खुद जाके वहां सो जाते, लेकिन हम जानते हैं तुम हमें ऐसा नहीं करने दोगी। पर मैं, देखो तुम्हें भी तो अपने समधन को शक्ल दिखानी है ना। और हसीना बाहर बहुत ठंड है मुझे, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारी गर्दन के लिए अच्छा रहेगा। पर बड़ी भी, अरे हसीना नहीं, तुम जाके बाहर सो जाओ, बहुत देर हो गई है। मैं भी आपके साथ। नहीं नहीं, जाओ जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही, जाओ। और कुछ बड़ी भी? और कोई बात नहीं ना, जाओ। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना, कुछ लोग पास होकर भी बहुत दूर होते, लेकिन मेरी सिचुएशन तो बहुत अजीब है। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे अब्बू कहां हैं। कहीं भी है, मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आपको इस चांद के जरिए देख सकती हूँ। And I hope आप भी जहां कहीं हैं, मुझे इस चांद के जरिए देख सकते होंगे। लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे वलीमा के दिन वो जरूर मिल जाएंगे। मेरा तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं आपसे प्यार नहीं करता। अरे आप जैसी लड़की से कोई मोहब्बत कर भी कैसे सकता जो अपने निकाह से पहले ही अपनी इज्जत किसी को भी देते। अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मैंने आपकी बात नहीं मानी। शायद अल्लाह मुझे उसी बात की सजा दे रहा है। आप सही थे और मैं गलत थी, मैंने गलत इंसान से निकाह कर लिया है। लेकिन अब मैं अब आपकी अच्छी बेटी भी नहीं रही कि मैं आपके पास आ जाऊं। अब्बू, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई लव यू। अल्लाह मियां, आपने अब तक मेरे बहुत सारे इम्तिहान लिए हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है।
मैं अपने अब्बू के लिए बहुत तड़प चुकी हूँ। प्लीज इस बार मुझे मेरे अब्बू से मिलवा दीजिएगा, क्योंकि क्योंकि अब शायद मुझसे और इंतजार नहीं होगा। प्लीज अल्लाह मियां इस इंतजार को खत्म कर दीजिए, मुझे मेरे अब्बू से मिलवा दीजिए। अब भी नहीं पता चलेगा मुझ पे क्या बीत रही है। नींद से जगा दिया। हमें देखकर बहाने बना रही हो, कहानी सुना रही हो। चोर कैंकी? चोर, 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 कहाँ बने हुए चोर? चोर कहाँ? चोर, 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 क्या ले गया? अरे ये तुम्हारी नौकरानी यहाँ चोरी करने आई थी। दो बार हमने इसको रात को यहाँ घूमते हुए देखा है और आज भी पकड़ा है। निया ठीक नहीं है इसकी, बता देते तुम्हें। हाँ मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैंने उस लड़की को देखा। वो अरे किसे देखा, किसको देखा? वो आपकी पोती। अरे बड़ी भी, इसे हमेशा जागते हुए बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। हाँ अक्सर ये बहकी बहकी बातें करती है। हाँ बड़ी भी आप जाके आराम करिए, मैं इसे समझा देती हूँ। हाँ समझा देना इसे। हाँ मीरा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने करने क्या वाली थी तुम? क्या हुआ अम्मी, क्या किया समीरा ने? पूछो पूछो अपनी बेगम से क्या करने वाली थी ये? बड़ी पी से निखत के बारे में सब कुछ बोलने वाली थी ये। क्या समीरा, तुम पागल तो नहीं हो गई ना?
दोनों मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैंने सच में निखत को देखा अपनी आंखों से, और एक बार नहीं बार बार देखा है। अच्छा, वो तुम्हें क्यों नजर आती है? क्योंकि हमने उसे मारा है। हमने मिलके मारा है ना, तो सिर्फ तुम्हें क्यों नजर आती है? मुझे और अम्मी को क्यों नहीं आती? सबकी बारी आएगी, हम सबकी बारी आएगी। किसी को नहीं छोड़ेगी वो, किसी को नहीं। बस करो समीरा, बस करो। तुम यूं ही उसका नाम लेती रही ना, तो कब्र से उठ के मुर्दे भी आ जाएंगे। हाँ जाओ, जाके सो जाओ। उधर नहीं, किचन में जाके सो जाओ। मुझे नहीं लगता ये अपनी जबान ज्यादा दिन तक बंद रख पाएगी। ये बेसमेंट में ही ठीक थी। कुछ तो करना पड़ेगा। तो बेड पे सोई, मुझे किचन में सुलाएगी। हेलो सोया, अब तो तुम्हारा निकाम भी हो चुका है। अब तो अपनी गंदी आदतों को सुधार लो। लुक एट यू, कितनी मोटी हो चुके हो। जोया प्लीज कुछ हेल्दी खाना सीख लो। आप ही प्लीज, खुदा के लिए मुझे मोटी मत कहिए, एकदम फिट हूँ। और वैसे भी आपने क्या मिस्टर खान की तरह मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया? वो एक काफी है हाँ मुझे लेक्चर देने के लिए। सोया क्या? हेलो हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओके ठीक है, बताइए फिर कैसी हैं आप और मेरे जीजू? हम दोनों अच्छे हैं और बहुत खुश भी। सोया, तुम्हारा निकाह बहुत मिस किया हम दोनों ने। पर हाँ, तुम दोनों की तस्वीरें देखी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे दोनों। ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह मियां ने फुर्सत से बनाई है तुम दोनों की जोड़ी। सच्ची मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सोया। तुम्हें वो अल्लाह मियां ने हर चीज दी जिसके लिए तुम्हारे दिल में हमेशा से आरजू थी। मैं भी बहुत खुश हूं। आप भी क्या बात है जोया, अपने आप से कुछ कहना चाह रही हो? कुछ नहीं आप भी, आप सही कह रही हैं। मेरे पास दुनिया की हर खुशी है, मेरी हर आरजू पूरी हो चुकी, और जो बची वो भी जल्दी पूरी हो जाएंगी, तो बहुत खुश हूं। आमीन। मैं वाकई बहुत खुश हूं। आई विश आप मेरे वलीमा में आ पाते। तुम्हें पता है ना सोया कि हम दोनों जरूर आते, तुम्हें इनवाइट करने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या करूं, तुम्हारे जीजू के दिल की बीमारी की वजह से हम घर से बाहर निकल ही नहीं पाते। सोया, तुम्हारे जीजू की दवाई का वक्त हो चुका है, अब मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। जोया जी, एक मिनट, देखो तो तुम्हारे इस पागलपन की वजह से जो जरूरी बात करनी थी वो ही मैं भूल गई। जोया तुम्हें याद है जिस यतीम खाने से मैं तुम्हें ले आई थी, उनके ऑफिस में आग लगने की वजह से हमारी सारी फाइलें जल चुकी थी, पर हाँ उन्हें तुम्हारी कुछ पुरानी तस्वीर मिली है। तुम्हारी एक तस्वीर है जब मैं तुम्हें लेकर आई थी ना, उसके ठीक एक साल पुराने। तुम उस वक्त करीबन 3 साल की होंगी। इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं अभी अपलोड कर देती हूँ, तुम यहाँ से चेक कर लेना। ओके हाँ जी, आप ही जल्दी कीजिए ना। बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, आप भी, मिस यू। Thank you.
या अल्लाह, तो ये मेरी फोटोग्राफ है। ये आपकी फोटोग्राफ गिर गई थी। ये फोटोग्राफ तो मैंने रजिया भी को दे दी थी, उमेरा की समझ के। लेकिन मैं सिद्दीकी साहब की गोद में क्या कर रही थी? इसका मतलब वो मुझे बचपन से जानते हैं। ये हो सकता है कि